कोरोना वायरस संकट के बीच क्या विश्व युद्ध शुरू हो गया है? इस समय एक सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है वो यही है। दोस्तों, हम भारत और चीन के बीच युद्ध की बात नहीं कर रहे, इन दोनों देशों में तो अभी युद्ध नहीं शुरू हुआ है, लेकिन इनके अलावा दो ऐसे देश हैं जिनमें युद्ध शुरू हो चुका है। कौन से हैं ये दो देश जिनके बीच में युद्ध शुरू हो चुका है, और क्यों ये आशंका जताई जा रही है कि इन दोनों के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो एक विश्व युद्ध का रूप ले सकता है, क्योंकि बहुत ही जल्दी बड़े बड़े देश जैसे कि रशिया और अमेरिका इन दो देशों के युद्ध में शामिल होने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या है ये खबर, आपको विस्तार में जानकारी देंगे आगे, इसलिए हमारे वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं भारत और दुनिया से जुड़ी हलचल की खबरें आपके सामने लाता रहता हूँ। मेरा नाम है रोहित, आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्लैनेट। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों, पूरी दुनिया में इस समय विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर का खतरा बना हुआ है। भारत और चीन, इन दोनों देशों में तो कई महीनों से टकराव चल ही रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों, दो देश ऐसे भी हैं जिनमें युद्ध ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, अर्मेनिया और अजरबैजान। ये हैं दोस्तों वो देश जिनमें पिछले कई दिनों से युद्ध चल रहा है, और अभी इसमें रूस और अमेरिका जैसे बड़े देश एंट्री करने वाले हैं। बड़े देशों के दोस्तों इसमें शामिल होते ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आगे जाकर इन दोनों छोटे देशों के बीच जो युद्ध चल रहा है ये एक विश्व युद्ध का रूप ले लेगा। ये आशंका भी जताई जा रही है दोस्तों कि रूस बहुत ही जल्द तुर्की पर भी हमला कर देगा, क्योंकि रूस अर्मेनिया के साथ है, और जबकि तुर्की मुस्लिम देश अजरबैजान की पैरवी कर रहा है। खबर है दोस्तों कि तुर्की और पाकिस्तान आतंकवादियों को अजरबैजान की मदद के लिए भेज रहे हैं। अगर दोस्तों तुर्की हमले का आदेश देता है तो रूस और तुर्की में खतरनाक जंग शुरू हो जाएगी, और इससे इस युद्ध में दुनिया की दूसरी महाशक्तियां भी शामिल हो जाएंगी। ईरान और तुर्की की बॉर्डर से लगे दो छोटे देश अर्मेनिया और अजरबैजान पिछले चार दिनों से युद्ध में शामिल हैं। इन दोनों देशों के बीच दोस्तों जो युद्ध हो रहा है, वहां के जंग के मैदान से आई धमाकों और तबाही की तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली है। अजरबैजान और अर्मेनिया की सीमा पर दोस्तों इस समय केवल युद्ध के धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। आपको बता दें दोस्तों कि जो ये अजरबैजान देश है ये एक मुस्लिम मेजोरिटी देश है, वहीं अर्मेनिया, यहाँ पर ईसाइयों की संख्या ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, इन दोनों देशों में युद्ध हो क्यों रहा है, क्या है इसके पीछे की वजह, चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। दोस्तों, पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा रह चुके ये दोनों देश यानी कि अजरबैजान और अर्मेनिया, इन दोनों देशों में युद्ध की वजह है नागोरो कारनबाख का क्षेत्र। ये दोनों ही देश इस क्षेत्र पर अपना अपना अधिकार जताते हैं। इस क्षेत्र के पहाड़ी इलाके को अजरबैजान अपना बताता है, जबकि इस पर अर्मेनिया का कब्जा है। आपको बता दें दोस्तों कि 1994 में इन दोनों के देश में पहले भी लड़ाई हो चुकी है, जिसके बाद से इस क्षेत्र पर अर्मेनिया का कब्जा है। इसके बाद 2016 में भी इन दोनों देशों के बीच इस इलाके को लेकर खूनी झड़प हो चुकी है, जिसमें कि 200 से भी अधिक लोग मारे गए थे, और अब एक बार फिर से ये दोनों देश इस क्षेत्र को लेकर दोबारा युद्ध कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। लेकिन जाने से पहले दोस्तों, हम उस सवाल का जवाब दे दें जो हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। हमने दोस्तों आपसे पूछा था कि जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। और दोस्तों, जाते जाते आप सबके लिए आज का सवाल, आज दोस्तों आपको ये बताना है कि अजरबैजान जो देश है इसकी राजधानी का क्या नाम है। इसका जवाब आप दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। साथ ही अगर आपके पास हमारे लिए कोई तथ्य या सुझाव है वो भी दोस्तों हमें जरूर बताइए। मिलते दोस्तों आपसे अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। नमस्कार।